भारत की छोटी सी बच्ची गीतांजलि राव की धूम दुनिया की मशहूर टाइम मैगजीन के कवर पर पाई जगह। एकाएक पूरी दुनिया का ध्यान उन पर चला गया। आखिर बात ही इतनी बड़ी थी, अब दुनिया की नामचीन मैगजीन टाइम के कवर पर किसी की फोटो आना कोई हंसी खेल थोड़े ही है, कुछ ऐसा कमाल भी करना पड़ता है। और इस बार ये कमाल कर दिया है भारत की बेटी ने, और वो भी छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र है महज 15 साल। और इस हुनरमंद बेटी का नाम है गीतांजलि राव, जो टाइम मैगजीन की तरफ से किड ऑफ द ईयर चुनी गई है। ये पहली बार हुआ है जब अमेरिका की टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर किसी बच्चे को जगह दी है। बड़ी बात ये है कि इसके लिए दुनिया भर से हुए 5000 नॉमिनेशंस में से गीतांजलि राव को चुना गया। टाइम मैगजीन ने गीतांजलि को साइंटिस्ट और इन्वेंटर बताया है। मैगजीन ने पहली बार इस कैटेगरी में किसी को चुना है। गीतांजलि ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी शानदार रिसर्च के दम पर हजारों बच्चों को पछाड़कर ये अवार्ड अपने नाम कर लिया। गीतांजलि को ये अवार्ड दूषित पेयजल और साइबर बुलिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए दिया गया है। टाइम के मुताबिक गीतांजलि ने पीने के पानी में प्रदूषण रोकने, अफीम की लत छुड़ाने और साइबर बुलिंग रोकने के लिए शानदार काम किया है, इसलिए मैगजीन ने अपने कवर पेज पर उन्हें जगह दी है। उन्होंने इन समस्याओं को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐप और क्रोम एक्सटेंशन तैयार किए हैं। गीतांजलि राव के अचीवमेंट्स की बात की जाए तो इस बच्ची ने छोटी सी उम्र में पानी में सीसा का पता लगाने वाली एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और एकेडमी अवार्ड विजेता एंजेलिना जोली ने उनका जूम पर इंटरव्यू भी लिया। इस इंटरव्यू में गीतांजलि ने कहा है कि हमारी जेनरेशन कई ऐसी परेशानियों से जूझ रही है जो पहले कभी नजर नहीं आई। पुरानी समस्याएं भी कायम हैं। एक ओर हम महामारी का सामना कर रहे हैं तो दूसरी ओर ह्यूमन राइट्स से जुड़ी समस्याएं भी हैं। क्लाइमेट चेंज और साइबर बुलिंग जैसी समस्याओं को हमने पैदा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें तकनीक की मदद से इन्हें सुलझाना होगा। इसके अलावा इस यंग साइंटिस्ट ने कम उम्र में नशीले पदार्थ की लत ओपियोड एडिक्शन को छुड़ाने के लिए एपियन नाम का एक डिवाइस बनाया। साइबर बुलिंग रोकने के लिए गीतांजलि ने किंडली नाम का एक ऐप बनाया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐप और क्रोम एक्सटेंशन है, ये शुरुआत में ही साइबर बुलिंग को पकड़ने में सक्षम होगा। गीतांजलि राव के अनुसार उनका मकसद सिर्फ अपनी डिवाइस बनाकर दुनिया की समस्याएं सुलझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि अब वो दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं। एक और खास बात ये भी है कि गीतांजलि टाइम मैगजीन के कवर पर जगह पाने वाली सबसे कम उम्र की लड़की हैं, और इससे पहले भी 2019 में उन्हें फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में जगह मिली थी।